मित्रों, मैं आशीष अमर पाठक, ज्योतिष वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। जैसे आप जब पूजा करने जाते हैं तो फूल माला और कुछ नैवेद्य खरीदते हैं, दुकानदार आपको कहता है कि आप ले जाइए और पूजा करके आके पैसे दे दीजिएगा। आप वही काम करते हैं जो दुकानदार बोल दिया, लेकिन सच तो ये है कि आपने भगवान को उधार चढ़ाया, तो भगवान तो उधार ही रख लिए जबकि आप आके पैसे देंगे। तो क्यों ना आप पैसा दे कर जाएं और भगवान के पास उधार प्रसाद नहीं चढ़ाएं, तो इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसी प्रकार जब आप कभी कोई पैसा आने वाला होता है, आपके लगता हो कि हमें 1 लाख 10 लाख या 10,000 रुपया कहीं से आने वाला हो, आप क्या करते हैं? आने से पहले आप सोच लेते हैं कि ये पैसा उस व्यक्ति को मैं दूंगा जिसका बाकी है या उसे दूंगा। लक्ष्मी आई नहीं कि आप उनके जाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये तो यही हुआ कि जब आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आया हो और आप कह रहे हो कि नहीं हम बाद में मिलेंगे, तो ये तो उनका अनादर होगा। इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातें और भी हैं जिसका आप सुधार करें तो आपके लाइफ में काफी बदलाव आएगा। जैसे प्रातः सूर्य भगवान बोलते हैं कि आप जमीन पर आने से, यानी पृथ्वी पर मुझे आने से पहले कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा पहले मेरा इंतजार करो, स्वागत करो। आप क्या करते हैं? आप सोए रहते हैं उस समय और सूर्य भगवान आ जाते हैं। जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि सूर्योदय हो चुका, तो वो आप वंचित रह जाते हैं उनके आशीर्वाद से, क्योंकि उनको आपने अनादर कर दिया। इस तरह से कभी कभी आप जब बाहर से आते हैं तो आप क्या करते हैं? उस बाहर से आए हुए जूते को सीधे अपने बेडरूम यानी अपने सोने वाले रूम तक लेके चले जाते हैं। आप क्या किए, बाहर की जितनी निगेटिव एनर्जी है वो सारे लेकर आप पहुंच रहे हैं अपने बेडरूम तक, तो आपके पास तो अब निगेटिव एनर्जी यानी जो ऋणात्मक सोच है वो तो बना रहेगा, वो तो चिंता बनी रहेगी आपकी। इससे अगर मुक्ति पाना हो तो आप कम से कम अपने जूते को बाहर खोल के और तब जाएं ऊपर के तरफ या अपने शयन कक्ष के तरफ, दूसरे स्लीपर ले लें या दूसरे चप्पल ले लें, लेकिन वो बाहर से पहने हुए जूतों को बाहर ही रखें। तीसरा, आप जब भी आप कोशिश करिए कि जब जूते को रखें तो पटक कर मत रखिए और ना उसको टेढ़े मेढ़े रखिए। उससे क्या होगा कि आपके जो पांव हैं वो टूटने से बच जाएंगे। कभी कभी ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं और जूते को जिधर घुमा दिए, बायां दूसरे तरफ घूम गया, दायां दूसरे तरफ घूम गया। कभी आप कल्पना कीजिए कि ऐसे अगर पांव घूम जाए तो क्या होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान दीजिए तो आपको काफी बदलाव लाइफ में आ सकता है। उसके बाद आप लक्ष्मी लक्ष्मी परेशान होते, लेकिन जो घर की लक्ष्मी यानी पत्नी है उनसे अगर आपको विवाद होता है, तो अगर घर की लक्ष्मी रुठी हुई है तो बाहर वो जो लक्ष्मी आ रही है उनको तो मना नहीं सकते हैं। आप क्यों मना पाएंगे? क्यों कि घर की लक्ष्मी को नहीं मना पा रहे हैं तो जो लक्ष्मी आ रही है वो तो आएगी नहीं। तो ये सारे चीजें आप थोड़े से ध्यान दे दीजिए, दिखेगा कितना बदलाव आता है। अब आपके पास पैसे हैं, आप कमाते जरूर हैं, लेकिन उससे आप अगर अपनी लक्ष्मी को यानी अपनी पत्नी को या माता को, बहन को, किसी को भी दे दीजिए और फिर उसे ले लीजिए, तो वो आपके लिए दिखिएगा कि उसमें बरकत होगा। लेकिन आप कमाने के बाद यदि उसे सीधा खर्च करते हैं तब तो बोल लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। कहते हैं कि लक्ष्मी के हाथ से लक्ष्मी नहीं डूबती है, तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो लक्ष्मी की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर थोड़े थोड़े ध्यान आप रखें तो आपके कार्य बहुत आसानी से होते चले जाएंगे।
इसके बाद मैं और भी इस तरह का नुस्खा देते जाऊंगा। आज के लिए बस ये, नमस्कार। भारत के जाने माने ज्योतिष वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित अशेष समर पाठक जी महाराज, किसी भी प्रकार की समस्या जैसे विवाह में बाधा आना, वैवाहिक जीवन में असफलता, संतान सुख की प्राप्ति ना मिलना, शिक्षा एवं शैक्षणिक में समस्या, ग्रह शांति, प्रेम संबंध में बाधा, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, वास्तु निवारण एवं ज्योतिषाय समाधान हेतु संपर्क करें।